आज के लेक्चर में हम वेंटिलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो इंसेक्ट्स हैं इसमें रिस्पायरेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जो रिस्पायरेशन होती है वो ट्रैकियल सिस्टम के ऊपर बेस करती है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो कन्फाइंड टू वैसल्स बिल्कुल भी नहीं होता वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप होता है इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं डेट आर कॉल द ट्रैके यहाँ से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है वो एक्सचेंज होती हैं और नॉस्टल्स की जगह पे यहाँ पे जो इंसेक्ट्स जो ब्रीथ करते हैं वो एक ओपनिंग्स के जरिए ब्रीथ करते हैं जो कि थॉरिक्स और अबडोमिन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं डेट आर कॉल्ड एज द स्पायरकल्स एंड दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ द ट्रैक्यल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैके की बात करें तो ये अलास्टिक इन नेचर होती है ट्रैके आर द लार्जर ट्यूब्स ऑफ द ट्रैक्यल सिस्टम और ये यूजली जो है ये इनके आगे फाइनर ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं जिनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वाली ब्रांच होती है उसका जो डायमीटर होता है वो ट्रू माइक्रोन्स होता है एस ट्रैकिया आर द इलास्टिक इन नेचर तो ये जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और जो ट्रैकिया हैं उसके अराउंड थिक हेलिकल रिंग ऑफ स्पायरल जो है वो प्रेजेंट होते हैं डेट इज़ द कार एज द टाईनीडियम लेयर ये उनकी ये क्या इसका फंक्शन ये होता है कि जो टाइनीडिया होती है ये ट्रैकिया को क्लेप्स होने से बचा जाती जा जा है अगर जो प्रेशर है इसके अंदर रिड्यूस कर जाए ट्रैक्यूल्स ट्रैक्यूल हैं ये स्मॉलर ब्रांचिज हैं ट्रैक्यूल सिस्टम की और जो एक ट्रैक्यूल ट्रैक्यूल्स के इनके अंदर कोई क्लियर डिस्टिंगशन नहीं होती है लेकिन जो ट्रैक्यूल्स हैं ये इंट्रा सेलुलर होती हैं अप्रोक्सीमेटली जो ट्रैक्यूल हैं आर ऑफ़ द वन माइक्रोन इन डाया और लेस देन इट ये सेल के अंदर होते हैं मैंने पहले बताया इंट्रा सेलुलर होते हैं और अपनी जो क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है उसको रिटेन रखते हैं ड्यूरिंग द मोल्टिंग एयर सेक्स जो ट्रैके हैं वो एक्सपैंड करते हैं थिन वॉल एयर सैक्स बनाता है जिसके अंदर टाइनीडिया एबसेंट होती है या फिर पुअरली डेवलप्ड होती है अब टाइनीडिया जो है वो पुअरली डेवलप्ड है तो ये कोलेप्सबल स्ट्रक्चर भी है क्योंकि टाइनीडिया का फंक्शन ही ये था कि वो उसको कोलेप्स होने से प्रिवेंट करता है एयर सैक्स एक्ट एज अ एयर वेजर दे आर शाइनी वाइट वेजिकल फिल्ड विथ एयर जो एयर सैक्स है वो वेंटिलेशन ऑफ ट्रैकल सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अलावा ड्यूरिंग द फ्लाइट ग्रेविटी को रिड्यूस इंसेक्ट्स जो तो है अपनी ग्रेविटी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं एयर सेक्ट से दे आर ऑल्सो द साउंड रेजोनेटर ऑफ द टेम्पेिक मेम्रेन एंड इन्वॉल्व इन द हीट इंसोलेशन